ये सब प्लैनेट या एस्ट्रोलॉजी आपको सही है या नहीं है, इट्स समथिंग लाइक कि जैसे मेडिकल साइंस है, आप हाँ मेडिकल साइंस पे क्वेश्चन नहीं उठा सकते, एग्जैक्टली आप हमारे ऊपर क्वेश्चन उठा सकते हैं कि क्या हम उतने कैपेबल हो सकते हैं, कि राइट क्या हमें उतना ज्ञान है या नहीं है, हाँ सही बात है, ये वही हमारी कह रहा हूँ, लिमिटेशन है. वो लिमिटेशन है और वो हमेशा रहेगी। मतलब वो उस यस इनफाइनाइट को बहुत, मतलब एक एक चीज को वो ठीक भी है ना। मैं बिल्कुल अब एस्ट्रोलॉजी हमने बहुत अच्छे से समझ ली, तुमने बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया। अब जी मैं पढ़ना चाहूंगा थोड़ा सा अलग डोमेन में, ठीक है। मैं जी बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखता हूँ, मतलब कुछ लोग ऐसे मेकअप करके आ जाते हैं और बोलते हैं, मतलब नो ऑफेंस टू एनीवन, बट मुझे बहुत अजीबो गरीब थंबनेल्स दिखाई दे रहे हैं आजकल, और बहुत ज्यादा वो समझिए कि यार हिट जा रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं, लेकिन कहीं कोई भूतों की मंडी लगवा रहा है, कहीं कह रहे उसने भूत को उठा के पटक दिया, कहीं कुछ। मेरा मानना अलग है, जितनी मैंने किताब पढ़ी है, एंड आई एम श्योर आप परफेक्टली अलाइन करते हो उससे, हमारी इस पे काफी डिस्कशन भी हुई है जी कि जी उसका कोई फिजिकल फॉर्म तो पता नहीं है, मतलब वो तो क्या है, पार्टिकल एनर्जी इज ऑल अबाउट पार्टिकल, ठीक है। तो ये उस तरीके से हार्म नहीं कर सकती अगर हम उसको उसके साथ छेड़छाड़ ना करें, बट बहुत कुछ ऐसे होता है कि हमने उठा दिया, खत्म कर दिया, काला जादू कर दिया। तो मैं तो सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि भाई ये क्या है काला जादू, या जो भी जादू है ये पहले तो यार एक इंट्रोडक्शन दे दो इसका, ये व्हाट इज दिस। ओके, सबसे पहले तो हमें इन सबको डिवाइड करने की जरूरत है कि हम स्पेसिफिकली किस चीज की बात कर रहे हैं. अगर हम भूतों की बात कर रहे हैं तो भूत भगाए जा सकते हैं नींबू मिर्च की सहायता से, नमक से, इन सब चीजों से हम भूत भगा सकते हैं. लेकिन भूत है क्या? हाँ आयुर्वेद कहता है वो बीमारियां जो हवा या पानी की कंटेमिनेशन से फैलती हैं. बिल्कुल सही, बहुत अच्छी बात। That is called viruses. जैसे कोरोना वायरस था, वो एक भूतज बीमारी है, वो भूत है राइट। वो एक भूत है. अब प्रॉब्लम क्या हुई कि हमारे वेस्ट के कांटेक्ट में आने से हर हर वर्ड का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं किया जा सकता. तो जब हमने वेस्ट को समझाने की कोशिश की कि ये भूत क्या होता है, कि कोई ऐसी चीज है जिससे इंसान के अंदर में वो आ जाती है और इंसान को एंजाइटी हो जाती है, वो बीमार हो जाता है, उसको वॉमिट शुरू हो जाती है, उसके आंखों से पानी आता है, ये होता है, वो होता है. तो उन्होंने रिलेट किया कि अच्छा, दैट इज समथिंग लाइक डेविल और समथिंग. तो हमने भी कह दिया हाँ, ऐसा ही ऐसा ही. और फिर वो डेविल जो है वो पहुंच गया बॉलीवुड में, बॉलीवुड ने उस भूत के सींग लगा दिए, लाल आंखें कर दी, डरावना सा बना दिया. तो हमारे पास एक बढ़िया सा क्रिएचर क्रिएट हो गया भूत के नाम का. सही बात है। तो ऐसे भूत क्रिएट हुआ, लेकिन एक्चुअल में भूत है जो हवा या पानी की कंटेमिनेशन से होता है, और इसको पूरी तरह से भगाया जा सकता है नींबू मिर्च टांग के. बहुत लोगों को लगता होगा ये बड़ा सुपरस्टिशन सी बात है, अंधविश्वास है, ये क्या नींबू मिर्च टांग देते हैं डॉल, आम के पत्ते हम बंधन वाल बना के दरवाजे पे टांग देते हैं. तो जब हम मिर्च और नींबू के थ्रू सुई को ले जाते हैं, धागा उसमें छेद हो जाता है, तो वो थोड़ा थोड़ा वहां से मिर्च और नींबू का जो रस है उससे जो हवा टच करके अंदर आती है अपने घर के, तो वो एंटी बैक्टीरियल एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट्स लेकर आती है, जिससे ये सारी कंटेमिनेशन कम होती है. और सॉल्ट में भी वही गुण है. सॉल्ट में वही नींबू ग्रोथ है। से जो हम नजर उतारते हैं या मिर्च से जो नजर उतारते हैं, तो नमक भी उसी तरह से काम करता है. वो हमारे बॉडी के चारों तरफ बहुत सारे बैक्टीरिया हमसे फूड ले रहे हैं. मतलब अगर हम बहुत स्ट्रॉन्ग माइक्रोस्कोप से देखेंगे, हमारी बॉडी के चारों तरफ रोए रोए से थोड़े थोड़े बैक्टीरिया घूमते रहते हैं. जब वो बढ़ जाते हैं तो हम हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है. इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो हम बीमार हो जाते हैं. तो हम नमक मारते हैं जिससे वो बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, क्योंकि नमक के अंदर, सॉल्ट के अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो इन्फेक्शन को, वो बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता. ठीक है, तो हमारे सराउंडिंग से थोड़ा सा वो बैक्टीरिया कम हुए तो हमारा जो ब्लॉक हो गया था, हमारी बॉडी ब्रेन ब्लॉक हो गए थे, इम्यूनिटी कमजोर हो गई थी, तो वो वापस रिवाइव कर जाती है. तो इसलिए हम
ये करते हैं। आपने एक और चीज सुनी होगी कि लोग लोग बहुत सारे रॉक सॉल्ट रखते हैं अपने घर के अंदर, या हीलर्स बहुत सारे रॉक सॉल्ट यूज करते हैं। तो मैं उनको ये रिकमेंड करता हूँ कि रॉक सॉल्ट हीलर्स को तो यूज करना चाहिए, क्योंकि उनके पास बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी लेकर लोग आते हैं, लेकिन हमें डे टू डे लाइफ में घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सॉल्ट के अंदर अपनी क्वालिटी है कि वो बैक्टीरियाज को पनपने नहीं देता। लेकिन सभी बैक्टीरिया हमारे लिए खराब नहीं है, बहुत सारे हमारी लाइफ के लिए अच्छे भी हैं जो जीवन देते हैं। यहाँ पर लाइफ इसलिए, आप अपने रूम के अंदर प्लांट्स, अगर क्योंकि प्लांट्स में जान है, जीवन है, तो प्लांट्स रखते हो कि हमें बहुत लाइवली फील होता है ना, तो उसी तरह से छोटे छोटे बैक्टीरिया हवा में घूम रहे, वो भी जरूरी है, बिल्कुल डेड नहीं कर देना एनवायरनमेंट में। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार मेरा यही ये तो बहुत अच्छे से बताया, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव दिया इस पे। बट मुझे जैसे अब कुछ लोग कहते हैं कि भूत ने उठा के पटक दिया या मार दिया या मैंने साक्षात देख लिया, तो मेरी अभी डिस्कशन हो रही थी तो तुमसे ही मतलब, तो तुम बहुत एक अच्छा उसमें अच्छे से बता रहे थे कि एस्ट्रोलॉजी से हम उसको प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि वो तुम जरा बताओ कि ये क्या हो रहा है। एक तो आप बहुत जगहों पर ट्रेवल करते हो, तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि हाईवे पे ना कई जगहों पर लिखा होता है एक्सीडेंटल प्रोन एरिया, और आप ध्यान से देखो तो वहां पर कोई कह लो कि ब्लाइंड स्पॉट भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, फिर भी एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? तो कुछ एरिया में एनर्जीज क्रिएट होती है जो हमारे को इल्यूजन्स क्रिएट करती है, और जो लोग सेंसिटिव होते हैं उनमें ये ज्यादा होती है, ठीक है। और एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम बात करें तो भूत प्रेत क्या होता है, मतलब कि जो ये आत्मा हो गई या किसी ने कुछ कर दिया वगैरह, ये सब चीजें जो होती हैं, ये मुझे क्लियरली मैं इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि जब लोगों के एक्सपीरियंसेस मैं सुनता हूँ, वो बहुत हद तक लगते हैं कि यार ये कैसे हो गया, रियलिटी लगती है इनफैक्ट। और बिल्कुल रियलिटी लगती है। लेकिन जब मैं कुंडली उनकी उठा के देखता हूं, तो वो हाँ, सबके सब लोग राहु की दशा से गुजर रहे होते हैं। इसको एक्सप्लेन करो राहु की दशा, ये दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। राहु जो है, ओके, राहु और केतु जो है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते प्लैनेट्स, वो इमेजिनरी प्लैनेट्स है। वो इमेजिनरी हाँ, प्लैनेट्स इस तरह से है राहु कि सर और अर्थ, मून का ऑर्बिट अराउंड अर्थ एंड अर्थ का ऑर्बिट अराउंड सन, जहां पर एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वो दो पॉइंट्स राहु और केतु हैं, जिसके कारण हमारे एक्लिप्स लगते हैं। तो वो बेसिकली इसको हम छाया ग्रह कहते हैं, इमेजिनरी प्लेनेट बोलते हैं, और इनके दशा अंतर दशा में क्या होता है कि हम इल्यूजन्स क्रिएट करते हैं, हमें वहम पड़ते हैं। आप एक और चीज ऑब्जर्व हम करते हैं कि राहु की दशा में ना आमतौर पे लोग इरिटेटेड रहना शुरू कर देते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, बहस करना बहुत शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो अपने इमेज, अब बहस हम क्यों करेंगे, मैं आपसे बहस क्यों करूंगा जब मेरे माइंड में ऐसा कुछ इल्यूजन क्रिएट होगा कि सिद्धांत अग्निहोत्री जो है वो मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता, या उसकी इंटेंशन मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन ये तो मेरी इल्यूजन है। तो राहु की दशा में हम कॉमनली देखते हैं लोग इल्यूजन क्रिएट करते हैं, और जितने भी मेरे पास, मतलब मैं एक बहुत स्ट्रांग अपना एक्सपीरियंस सुनाता हूँ। कुछ टाइम की बात है, कुछ साल हो गए, 1-2 साल हो गए, मतलब कि केसेस तो बहुत है, ये मेरा मतलब कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग केस आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरी एक स्टूडेंट थी एस्ट्रोलॉजी, हमारी लाइनेज, मतलब फादर ग्रैंडफादर सभी एस्ट्रोलॉजर ही रहे हैं, तो हमारी लाइन हमसे सीखती रही है, तो वो रिलीजियसली एस्ट्रोलॉजी को और हमें फॉलो करती थी। उसकी शादी, उसके ब्रदर की शादी हुई, उसकी भाभी घर पे आई, तो उससे क्या हुआ कि कुछ टाइम के बाद ना उनके घर में, जैसे ज्वाइंट फैमिली थी, उसके ताया जी के बेटे की डेथ हो गई, और उसके बाद से उसकी जो भाभी है उसको इस तरह के इल्यूजन होने लग गए कि घर में कोई आत्मा है जो मुझे हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उसके चोट के निशान वो देख, मतलब कि दिखाती थी, नील पड़ गया बॉडी के ऊपर, और मतलब खून के छींटे हैं, ये है वो है, किसी ने लिपस्टिक से, जैसे एक्चुअल में पिक्चरों में ड्रामा होता है उसी तरह से, तो वो दिखा रही है, और सभी देख के और जिस तरह से वो हो रही हैं चीजें, कोई सोच ही नहीं सकता कि कोई इंसान कर रहा है, ठीक है, इस तरह से चीजें हो रही हैं। और उसके फादर ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ऐसा कुछ है, वो झाड़ फूंक उनके पास जाने लग गए, और कोई मतलब कि किसी साधु के पास जा रहे हैं, किसी XYZ कहीं कहीं जा रहे हैं,
तो उसी तरह से फिर उसकी जो मेरी स्टूडेंट थी उसने मेरे से डिस्कस किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है हमारे घर पे, क्योंकि वो मैरिड थी तो उसके पास थोड़ी लेट ये बात पहुंची, तो उसने मुझसे कॉन्टेक्ट किया, मेरे से डिस्कस किया। तो जब मैंने होरोस्कोप उठाया, वो लड़की की राहु की दशा, उसके हस्बैंड की राहु की दशा, उसकी सास की राहु की दशा, उसके फादर की कुंडली नहीं थी, तो आई एम श्योर उनकी भी यही रही होगी, उसके जो मेरी स्टूडेंट है उसकी राहु की दशा। मैंने उसको समझाया कि ये कुछ नहीं होता, इल्यूजन है, राहु की दशा, नारियल डोनेट करना शुरू कर दो, पक्षियों को दाना डालना शुरू कर दो, आप ट्रेवलिंग कर लो, जो हम आमतौर पर राहु की रेमेडीज बताते हैं कि अपना स्थान परिवर्तन कर लो, कुछ दिन बाहर घूमाओ, चीजें थोड़ी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। नहीं सर, आपने नहीं देखा इसलिए आप नहीं मानते, सर ऐसा होता है, आपने आपको एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज का इसलिए आप ऐसा कह रहे। आई वॉज सरप्राइज्ड, अच्छा ये ऐसा कह रही है मेरे को। तो मैंने उसको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश की, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर भी नारियल डोनेट करने में कौन सा कोई हर्ज है, आप एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट कर लो, ठीक है, अगर होता होगा तो भाग जाएगा, अगर नहीं होता तो इल्यूजन खत्म हो जाएगा, इतनी सी तो बात है। तो करते कराते वो काफी डिस्टर्ब रहे, बहुत लोगों के पास गए, जैसे ही सबसे पहले जो मेरी स्टूडेंट थी उसकी और उसकी मदर की दशा खत्म हुई राहु की, उन दोनों को समझ आ गई कि कुछ नहीं है, उसको खुद को इल्यूजन्स होते हैं, और उन्होंने कुछ इस तरह के लाइक स्पॉट ब्लाइंड स्पॉट्स पे कैमरा फिट किए जिससे उनको विश्वास हो गया। वो रिकॉर्डिंग दिखाने के बावजूद वो लड़की, उसका हस्बैंड और उसके ससुर नहीं मान रहे, वो कहते हैं कि भूत है ये, उसने नहीं किया है ये, उस भूत ने उससे करवाया है। ठीक है, अब मुझे भी समझ नहीं आता कि एक्चुअल में भूत ने करवाया ये राहु की दशा, लेकिन ऐसा होता है। और हमारे अंदर न जाने कितनी एनर्जी है जिसको हम नहीं, कॉन्शियस माइंड से नहीं समझ सकते कि हमारी बॉडी कितनी ट्रेमेंडस एनर्जी का सोर्स है। बिल्कुल, अरे लोग अपनी मेडिटेशन से, साधना से ये मतलब अचीव कर लेते हैं, लेकिन जब इस तरह के राहु की दशाओं वाले केसेस आते हैं ना, तो वाकई उन वो जो इवेंट क्रिएट करके दिखाते हैं वो इंसान के बस के बाहर की बात होती है। जैसे सही बात। एक और केस बताऊं, एक लेडी का वो मैंने देखा खुद कि उसने अपने पीठ पे ऐसे स्क्रैच किया हुआ, मतलब इस तरह से किया हुआ कि इंसान अपने खुद के पीठ पे नहीं मार सकता, नहीं पहुंच पाए, उसका हाथ उस तरह से उस एंगल में पहुंच ही नहीं सकता बैक पे, लेकिन उसके स्क्रैच पड़ा हुआ। और फिर कुछ टाइम में ऑब्जर्व हुआ कि उसके खुद के थे, वो दशा खत्म हुई, चीजें सॉल्व हुई। कुछ लोगों के कॉम्बिनेशन इस तरह के होते हैं कि उनका थ्रूआउट लाइफ ही इस तरह के एक्सपीरियंसेस या इस तरह के इल्यूजंस रहते हैं। बहुत सारे केसेस में राहु की दशा आती है, उनकी लाइफ में भूत आते हैं, दशा खत्म हो जाती है, वो आत्मा प्रेत सब चले जाते हैं। नहीं, ये एक कमर्शियलाइजेशन भी है थोड़ा सा, जानबूझ के इसको इतना ज्यादा फैलाया भी गया है कि लोग माने, सेंसिटिव टॉपिक है तो इसमें मूर्ख बनाने के लिए भी बहुत लोग बैठे हैं, बहुत कुछ है, और बात आसानी से लोग बन भी जाते हैं कि हाँ यार कुछ है तो ये ले ले, बहुत ज्यादा पैसा। मैंने कुछ लोगों को, मतलब मेरा एक दोस्त था तो उसने लाखों रुपए खर्च कर दिए थे, मैं उसको समझाता रहा कि नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा सा जिस फैमिली की बात कर रहा हूँ, या बहुत सारे लोग जो मेरे पास आते हैं जिनको संतुष्टि नहीं होती, जिनको लगता है कि नहीं इनको इन्होंने भूत देखा नहीं इसलिए नहीं विश्वास करते, वो जाके और खर्च करते हैं। मेरा एक दोस्त था, तो उसको भी ऐसे ही कुछ हुआ था, तो मैंने उसको बोला था कि भाई तू प्रे कर, ठीक है, बस तुम सिर्फ प्रे करो, और उसने प्रे करना शुरू किया। अब वो भी एक तरीके का मेडिटेशन हो गया, और एक महीने बाद सब नॉर्मल हो गया, मतलब उसको बहुत ज्यादा मंत्र जाप में ट्रेमेंडस एनर्जी है। मंत्रों की साइंस बताओ सचिन, मंत्रों की साइंस बताओ। मैंने जैसे आपको बताया कि प्लैनेट्स बेसिकली हमारे हॉर्मोन्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, एक तो मंत्रों पे, और तुम गायत्री मंत्र को बहुत ज्यादा कहते हो, मुझे भी जब से मैं मिला हूं तुम हमेशा कहते हो गायत्री मंत्र, और मैं जब सूरज को जल चढ़ा तो सूरज को जल चढ़ाने को काफी ज्यादा बोला जाता है, ठीक है जी जी, तो वो जल एकदम मतलब चढ़ाइए आप और गायत्री मंत्र का जाप करिए। तो पहला सवाल तो मंत्रों का साइंस, सेकंड ये गायत्री मंत्र और जो सूरज को जल देना, ये साइंटिफिक कैसे है उसको।